और मुझे ये कौन बताएगा स्कूल में बच्चों को किससे डर लगता है? बच्चे नहीं, पेरेंट्स को डर लगता है पेरेंट टीचर मीटिंग से। और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए सबसे डरावनी चीज है वो टेस्ट जो उन्हें परखने के लिए लिया जाता है। मिसाल के तौर पर आर्ची को ही ले लीजिए। जब उसने सुना कि सबका टेस्ट होने वाला है तो वो सूखे पत्ते जैसा थर थर कांपने लगा। फिर उसे पता चला कि वो टेस्ट होने वाला है हिस्ट्री का। वो तो एक बुरे सपने जैसा था। उसे हिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो याद नहीं करना चाहता था जगहों के, लोगों के नाम और तारीखें। इतना सब उसके दिमाग में नहीं बैठता था और यही वजह थी उसके साथ जो हुआ वो होने की, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था। उस शाम बड़ी ही तेज बारिश हो रही थी। टेबल पर पड़ी थी एक खुली हुई हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। आर्ची उसे पढ़ने की कोशिश करता पर नींद उस पर हावी हो रही थी। उसे पता था कि कल उसका टेस्ट है। ये कितना बोरिंग है, अब मैं क्या करूं? उसने इस बारे में सोचा। ओह, उसने बीमार होने का नाटक किया। वो जाकर अपने बेड पर लेट गया और खुद पर कंबल डाल लिया। वो कुछ मिनट तक बेड पर लेटा रहा। फिर उसने सुना कि शायद कोई आ रहा था उसकी ओर। आर्ची उठ बैठा और उसने ध्यान से देखा। उसके सामने खड़े थे एक डॉक्टर जो उसे घूर रहे थे। अगर तुम सच में बीमार हो तो मुझे तुम्हारा इलाज करना होगा जल्दी से। और फिर भी तुम ठीक नहीं हुए तो मुझे तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत। बादल गरजे, बिजली चमक रही थी। वो डरावना था, एक भयानक सपना। आर्ची वहाँ से उठ खड़ा हुआ और उसने खुद को कहीं पाया, पर वो जगह बिल्कुल भी वहाँ की लोकल हॉस्पिटल जैसी नहीं लग रही थी। आर्ची बुद्धू नहीं था। वो जान गया कि वो कमरा तो उसके स्कूल का है। वहाँ पर उसके तीन स्कूल टीचर्स बैठे थे बड़े ही अजीब तरह से तैयार होकर। वो बड़े ही सीरियस लग रहे थे। लगा जैसे उन्हें उसी का इंतजार हो। ऐसा लग रहा था जैसे सुंदर ड्रेस वाली टीचर किसी हिस्ट्री लेसन से बाहर आ गई हो। लग रहा था कि वो बनी थी क्वीन ऑफ इजिप्ट, क्लियोपेट्रा। उनके पास थे एक लंबे आदमी स्कूल प्रिंसिपल के जैसे, पर उनसे बड़े सीजर, एम्परर ऑफ रोम वहाँ खड़े थे मुस्कुराते हुए। और फिर कोच आए सवार होकर अपने लकड़ी के घोड़े पर। उन्होंने पहना हुआ था नेपोलियन की कॉस्ट्यूम। फिर टीचर्स ने नहीं मचाया शोर, बस उन्होंने देखा एक दूसरे की ओर। और फिर तीनों आगे आए ताकि उस बेचारे लड़के का झूठ पकड़ पाएं। तुम बीमार नहीं, ये बात है साफ। तुमने की है चीटिंग, हम नहीं करेंगे माफ। अब तुम कितनी भी करो रिक्वेस्ट, तुम्हें देना ही होगा ये टेस्ट। सारे सवालों के जवाब देने होंगे तुम्हें। जो सीखा है, जो जानते हो, अब बताओ हमें। ये सारे सवाल देखो ध्यान से, लिए गए हैं सारे तुम्हारी टेक्स्ट बुक से। चूंकि उसके दिमाग में था सिर्फ डर भरा, वो गलतियाँ करता गया बेचारा। क्लियोपेट्रा, ओ आसान है, तिब्बत की एक नदी का नाम है। मुझे नेपोलियन केक बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे सारा दिन खा सकता हूँ। क्रीम वाले केक्स होते हैं बड़े ही अच्छे, पसंद करते हैं उन्हें सभी बच्चे। और ये वाला जवाब तो था कमाल का। सीजर नाम है एक सलाद का। चीज, क्रूटॉन्स, छोटी मछली, सलाद के पत्ते, चिकन भी सब इसमें है डालते। क्लियोपेट्रा को आ रहा था गुस्सा, तभी तो उसके गले में पानी अटका। फिर सीजर डरावनी आवाज में बोला, अब यहाँ ये रहेगा या तो मैं। बोनापार्ट ने बिना कुछ कहे फेंक दी अपनी तलवार आगे। फिर सामने पड़ा ग्लोब उसने हाथ में उठाया और चेहरे पर गुस्सा लिए उसकी तरफ आया। लगा जैसे उसका अंत आ गया। तभी आर्ची जाग गया।
कितना भयानक सपना था। जरा भी देर होती तो मेरी हिस्ट्री बन जाती। आर्ची ने खुद से कहा और आगे से ऐसे भयानक सपनों से बचने के लिए आर्ची ने टेस्ट की तैयारी करने का फैसला किया। एक बच्चा कैसे जानेगा हिस्ट्री के इन राजा रानी योद्धा और बड़े बड़े लोगों के बारे में, सिर्फ अच्छी तरह पढ़ाई करके। एक अच्छा लड़का था, उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन से डर लगता था। अगर पास में कोई बिल्ली छींक देती तो उसे ऐसा लगता कि अब उसे जरूर आ जाएगा हार्ट अटैक। अब मैं आपको बताऊंगी उसकी ये बात एक भयानक कहानी में कैसे बदल गई। सारे बच्चे जानते थे कि वीरान दलदल के पास वाला तालाब बड़ा ही खतरनाक था। वो तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था, उसमें पानी भी कम था, पर बच्चे वहाँ चलने से डरते थे। सब कहते थे कि उस तालाब में रहते थे चिपचिपे मेंढक, खून के प्यासे लीचेस और एक बड़ा सा पानी का मॉन्स्टर भी। तो इन लड़कों ने उस पानी के मॉन्स्टर को पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना सामान बांधा और तैयार हो गए इस नए एडवेंचर पर जाने के लिए। कैशका और गैशका पुराने लकड़ी के बोर्ड्स ले आए और एक फ्लोट बोट बनाने लगे ताकि वो जा सके उस डरावने तालाब में। पर वो अपने हथौड़ों से लकड़ी को इतनी जोर से पीट रहे थे कि सायो मुश्का डर गया और रोने लगा। इतनी जोर से मत मारो, लग रहा है जैसे मेरे सिर पर मार रहे हो। कैशका और गैशका ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने तो फ्लोट बोट तैयार किया, उस पर सेल लगाई और हवा चलने का इंतजार करने लगे। और सायो मुश्का घबराता हुआ उस पर जाकर बैठ गया और बैठे बैठे बड़बड़ाने लगा। डर लग रहा है, अब हम डरावने तालाब में जा रहे हैं और उन्हें वहाँ चिकन पॉक्स हो सकता है और फिर वो मुझे भी बीमार करेंगे। सायो मुश्का ने अपने मेडिसिन बॉक्स को कस कर पकड़ लिया, जो मुश्किल वक्त के लिए उसकी दादी ने बैग में रखा था। दूसरी तरफ कैशका और गैशका एक पुराना लकड़ा ले आए और उसे किनारे से लगाकर धक्का देने लगे ताकि बोट आगे चल सके। अब तो हमारी खैर नहीं, सायो मुश्का ने सोचा। उन्हें उस पुराने लकड़े से जरूर टेटनस हो जाएगा, इसीलिए सायो मुश्का ने एक मास्क पहनने का फैसला किया अपनी बहती नाक को बचाने और टेटनस से बचने के लिए। ये तो अच्छा है कि उसके बैग में एक मास्क था जो उसकी दादी ने रखा था। कैशका और गैशका पसीने से लथपथ थे, पर वो धक्का देते रहे और उनके चेहरे लाल लाल हो गए। और सायो मुश्का को लगा कि दोनों को रोजोला बीमारी हो गई है। फिर उसने हरे रंग की दवाई की बोतल निकाली और बीमारी से बचने के लिए उसे पूरे शरीर पर लगा दिया। कैशका और गैशका गाना गाने लगे। हे जोर लगा के हाय शा, हे जोर लगा के हाय शा। और गाना गाते हुए उन्होंने इतना जोर लगाया कि उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी में जा गिरे। और उसी पल सायो मुश्का को घबराहट होने लगी। वो बुरी तरह डर गया और चिल्लाया। अब वो दोनों बुद्धू मुझे मछली वाली बीमारी दे देंगे। उसने बाहर निकाला एक डाइविंग सूट जिसे उसकी दादी ने उसके मेडिसिन बॉक्स में रखा था। कैशका और गैशका पानी से बाहर निकले और जोर जोर से हंसने लगे। और फिर उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो पानी का मॉन्स्टर जिसने एक डाइविंग सूट पहन रखा था और एक मास्क। कैशका और गैशका बिल्कुल भी नहीं डरे और उन्होंने पानी के मॉन्स्टर को उठाया और उसे ले जाने लगे लड़कियों के पास उन्हें डराने के लिए। पर लड़कियों को भी उससे डर नहीं लगा। उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि वो पानी का मॉन्स्टर तो सायो मुश्का था, क्योंकि वो जोर से आवाज कर रहा था। तो बताओ, क्या आप कभी सायो मुश्का जैसे लड़के से मिले हैं? वो खांसते और छींकते रहते हैं और सभी बीमारियों के बारे में सब कुछ जानते हैं। और वो अपने आसपास के बच्चों को तरह तरह की बीमारियों के नामों से डराते हैं। वो रोते हुए अफवाहें फैलाते हैं।
और लोग भी डर जाते हैं और दवाई की दुकान पर जाकर हर तरह की दवाइयाँ खरीद लेते हैं। हमें अफवाहों से दूर ही रहना चाहिए। बस अपना ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए और हमेशा साफ सुथरे रहिए। फल और सब्जियाँ खाइए। इस तरह से कोई इन्फेक्शन, बीमारियाँ, कोई रोग, कोई बैक्टीरिया आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे।